हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से घर पे बन जाएगी। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है जो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। 6 टीस्पून मैंने शुगर ली है। 3 टीस्पून मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया है। बॉयल करके मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया है। और आज हम इसे विस्क से बनाएंगे। पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कॉफ़ी कैसे तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। यहाँ पे मैंने एक मग ले लिया है, मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी। हमें कितना पानी चाहिए वो हम जब इसे विस्क करते जाएंगे तब हमें पता चलेगा। आप देख सकते हैं इसमें पीक फॉर्म हो गई है और ये मिक्सचर कितना लाइट हो गया है। अब ये हमारा कैपेचिनो पेस्ट तैयार हो गया है। अब आइए हम कॉफ़ी अपनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक कप। उसमें हम अपना ये पेस्ट निकालेंगे। आप कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं या लाइट पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग पेस्ट ले सकते हैं। अब हम इसमें मिल्क पोर कर देंगे। पहले हम हाफ कप ही मिल्क पोर करेंगे और अच्छे से एक मिक्स देंगे। अब हम पूरा फुल कप फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कॉफ़ी कितनी ज़्यादा फ्रॉथी बनी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कटआउट लिया है। और हमारी कॉफ़ी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।